क्या होगा इसका? लाल पानी होगा अच्छा, तो दे देंगे। गुलाबी होगा नहीं देंगे। लाल नहीं हो रहा। 800 रुपये कीमत है इसकी। ओह लाल हो। दूसरा आता देखो, क्या नाम है जी? पूनम सिंह। पूनम सिंह जी कन्या राशि। इसको अपने पत्थर को मुंह में रखो जी। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा, और एक बार फिर दोबारा से हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार की पावन धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आया हुआ हूं हरिद्वार में, अभी बैठा हूं अपने रूम में। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि एक हरिद्वार का व्लॉग बनाया जाए, तो आज ये मुझे मौका मिला है कि आप लोगों के साथ में मैं हरिद्वार का व्लॉग शेयर करूँ। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलते हैं सीधा हर की पौड़ी पे। हिंदुस्तान के दो तीर्थ स्थान, एक हरिद्वार और एक वृंदावन। दोस्तों ये दो तीर्थ स्थान ऐसे हैं जो आपको 12 महीने 365 दिन सुचारू रूप से चलते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, बढ़िया ढंग से कड़ी चावल और पूरी सब्जी का भंडारा चल रहा है, उसी तरीके से हर दिन हरिद्वार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भंडारा या लंगर जरूर चलता रहता है। और अगर आप हरिद्वार आए और 100 साल पुरानी और मशहूर दुकान पंडित जी पूरी वाले की बेड़मी पूरी और छोले भटूरे का नाश्ता नहीं किया तो फिर क्या किया? तो हाँ जी दोस्तों, ये देखो यहाँ मुझे ये कुछ अलग चीज़ दिखाई दी है, ये मैंने आज तक वैसे देखा नहीं है कभी। ये इन्होंने लिख रखा है रुद्राक्ष का फल, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष फल के अंदर से प्राप्त करें। तो थोड़ा बताए भाई क्या क्या है इसके अंदर, क्या सिस्टम होता है ये? भैया ऐसा है, रुद्राक्ष है अच्छा अच्छा आपका भाग है, जो आपको नसीब में 5 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, जो भी भाग है आपका है मुकद्दर का। ये ओरिजिनल है? हाँ जी। ये कहाँ से आता है? ये नेपाल से आता है ये माल। नेपाल से आता है। तो इस चीज का मतलब पेड़ लगाया जाता है? हाँ, पेड़ होते हैं, ये निकला हुआ है। अच्छा अच्छा, ये कितने मुखी है? ये है पंचमुखी। पंचमुखी है? हाँ। है ओरिजिनल, इसकी गारंटी है? गारंटी अच्छा जी। पूरी है। तो क्या दाम होगा भैया इसका? 130 रुपये का है, 4 लोगे तो 100 रुपये का है, 4 पीस 100 रुपये का। पंचमुखी लाल धागे में, और लेडीज पहने तो पीले वाले धागे में। अच्छा अच्छा, बहुत फायदेमंद है। जैसे आप ये भी है ना बड़े बड़े? हाँ ये भी है, मतलब इसमें से निकलेगा। ये दृश्य देखते के साथ ही दिल से अंदर से आवाज निकलती है, साधु दर्शनम पुण्य, गंगा दर्शनम पुण्य। मतलब इसका ये है कि गंगा नदी के केवल आपने दर्शन ही कर लिए ना, तो यकीन मानिए उतना ही काफ़ी है। सारे दुख दर्द पीड़ा कष्ट सारे सब चीज़ों का निवारण एक इसी दर्शन मात्र से ही हो जाता है, और बाकी अगर आपने स्नान कर लिया आकर के तो फिर तो गंगा मैया की पूरी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से हरिद्वार में विकास कार्य किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप देखिए किस तरीके से रेलिंग्स और चेन वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से सब लगा रखी है। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, चेन भी होती थी तो वो भी कम कम जगह होती थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से पूरा श्रद्धालुओं के लिए अच्छा बंदोबस्त उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने किया है। वीडियो में देखने वाली सबसे मेन चीज़ यही है कि किस तरीके से ये नकली बाबाओं ने, ज्योतिषों ने, पंडितों ने पब्लिक को पागल बना रखा है। बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, पैसा लेकर के आते हैं, अपने सच्चे मन लेकर के आते हैं, उनके साथ में इस तरीके से ढोंग रचा जाता है। अब ये पिक्चर पूरी की पूरी क्या है आपको मैं वॉइस ओवर के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये जो खेल करने वाले बंदे हैं इनकी पूरी की पूरी टीम है। क्या चीज़ है बाबा ये? देखो इधर भी आएगा। अच्छा, मैंने इनसे पूछा क्या चीज है बाबा जी ये, इन्होंने बताया राशि के नग हैं। दोस्तों राशि का नग तो है वो, लेकिन वो वाले नग हैं जो सबसे नकली वाले 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए वाले होते हैं ना, कहीं पर भी मिल जाते हैं वो वाले हैं।
और जो है आप ये ठीक नीचे देख रहे हो ना, येलो ब्लू, ये जो दवाई के कैप्सूल के जैसे पड़े हुए हैं, ये शो पीस है, ये सैंपल है, डेमो रखने के लिए दिखा रखे कि हाँ भाई हमारे पास ये भी है। लेकिन जो बेचने वाले नग हैं वो निकालता है, रेड वाली जैकेट वाला बाबा निकालता है अपनी जैकेट के अंदर वाली जेब से, और वो भी पन्नी के अंदर से निकालता है ताकि सामने वाले को, खरीदने वाले को लगे कि हाँ मैं कुछ महंगी चीज़ एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहा हूँ। देखते जाइए पूरा खेल क्या है, सब समझाऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा। देखो इधर भी आएगा। अच्छा पहले टीका लो जी, माला सभी लोग ले लो, सभी लोग ले लो, टीका ले। जय हो, जय हो। भाई के लगाया नहीं। अब ये कह रहे हैं कि सभी लोग टीका ले लो जी शनिदेव महाराज का, लेकिन ये ऐसा टीका क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लास्टिक के दो डब्बे रखे हैं बाबा के लेफ्ट पैर के साइड में, उसमें से एक में से तो बाबा पानी छिड़कता है और दूसरे वाला जो उसके पीछे ठीक रखा हुआ है छोटा सा, उसमें से कुछ पाउडर छिड़कता है थोड़ा सा। वो पाउडर छिड़कने के बाद क्या होता है, पानी जैसे उसके अंदर डालोगे तो वो कलर चेंज करेगा, कुछ किसी तरीके का कुछ तो केमिकल है वो, मैं एग्जैक्ट नहीं उसको पहचान पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको देखना है कि वो उसका असर कैसे आता है, तो आप ये फ्लोटर वाले चप्पल वाला जो बंदा खड़ा है इसके पीछे देखो ठीक, वो वहाँ तक भी ये पिंक पिंक कलर का इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो वहाँ कैसे शनिदेव पहुँच गए? वो ऐसे पहुँच गए, वो इस वाली जो छोटे वाली डिब्बी में से जो निकल निकल के जा रहा ना उधर, उसका थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स जो जाते हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से वो वहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो यहाँ भी आ रहा है, हाथों पे भी आएगा, बॉडी पे कहीं भी डालोगे कहीं भी आ जाएगा। उसको ये शनिदेव महाराज के रूप में जो है दिखा रहे हैं, समझ रहे हो? आगे देखो क्या होता है। देखो जी हाथ धो लो मेरे भाऊ जी, क्या नाम है जी? रूप सिंह। तुला राशि आपकी शुक्र आपका स्वामी, और आपकी राशि का उपली पत्थर शुक्र का सफेदी पत्थर बनता है मेरे भाऊ जी। ऐसे कीजिए रूप सिंह जी हाथ, देखिए ये बिना पत्थर के आपको भी लाल नहीं होगा, इसे बंद कर लो भाऊ जी, इसे मत बनाओ। ब्लू टी शर्ट वाला लड़का और वो उधर सामने जो फ्लोटर पहन के लड़का खड़ा है, ये दो लड़के इनके टीम के बंदे हैं। ये मेरे को शूट करने बिल्कुल नहीं दे रहे थे, मेरे कैमरे के आगे एकदम आए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा। तो फिर भी मैंने जो है पिक्चर निकाल ली इनकी। नीचे बैठो सर, ऐसा पत्थर पंडित जी हमें भी दिखाना है। एक मिनट तो तसल्ली करो, ऐसे करो कि ऊपर नीचे हाथ जैसे पसार लेते हो। जय मेरी गंगा माई, जय मेरी मनसा माई, जय मेरी लक्ष्मी माई, इनकी मुरादें पूरी करना, बिगड़े काम पूरे करना, जिस इरादे से रूप सिंह जी तुम्हारे दरबार में आए इनके इरादे पूरे करना, घर में सुख शांति करना, नोटों से इनकी जेब भरना। रूप सिंह जी की जेब नोटों से भरेगी या नहीं भरेगी ये तो गंगा मैया ही जानती है, लेकिन आपकी जेब नोटों से जरूर भर गई है ये हम सब लोग जान चुके हैं। मंगल चंद्रमा रूप सिंह जी, इसकी चांदी की बिट्टी बनाना, इसको इसांगली में या इसांगली में पैरना, कौन से दिन पैरोगे? शुक्रवार के दिन, क्यों? शुक्र आपका स्वामी बनता है। सुबह 10 बजे से पहले गंगा जल में धो के पैरना, फिर आप कुछ भी खाना कुछ भी पीना, कहीं भी जाना कहीं भी आना, लेकिन रूप सिंह जी पत्थर को उतार के अपने से जुदा करना नहीं। ये टूटेगा कटकेगा कब? जब आप पे कोई मुसीबत आएगी, आफत आएगी, विपत आएगी, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई जादू टोना, शिव लीलम। और ये जो बाबा ने पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट याद कर रखी है, ये बिल्कुल ठीक स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पत्थर तभी टूटता है जब उसके ऊपर कोई आपत्ति को विपत्ति आती है, तो नग जो है टूट जाता है। लेकिन उसको क्या पता बेचारे सामने वाले को कि मेरे को तो नकली नग पेला जा रहा है, भाई नकली नग मेरे हाथ लगा दिया, 20 रुपये वाला 800 रुपये में दे रहे हैं। कोई भी रख के देखो, इसे भी रख के देखो, देखो रूप सिंह जी इसे भी रख के देखिए, 800 रुपये का है, लेकिन आपके लिए 8 पैसे का भी बेकार है। कौन सा पत्थर बता पंडित जी? माणिक, सूर्य देव का, सूर्य भगवान का, शनि के पिता। देखो जी आप भी देखो, सीधे हाथ से देना जी, बोनी करा दो, 550 क्या होगा इसका? लाल पानी होगा। अच्छा, तो दे देंगे, गुलाबी होगा नहीं देंगे, लाल नहीं हो रहा। अब देखो दोस्तों ये नग इन्होंने मेरे हाथ में रखा, पिंक कलर का बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहां से जब तक उसका पाउडर नहीं डालेगा केमिकल का मेरे हाथ के ऊपर, वो होगा ही नहीं। गेम सारा का सारा यही है। पेटीएम है, पेटीएम कर दो, ये रहा 800 रुपये कीमत है इसकी। ओए लालो, दूसरा हाथ आगे करो, नीचे बैठो जी। अगर दोनों में आएगा फायदा करेगा, नहीं आएगा नुकसान करेगा। पहले टीका लो जी सूर्य देव का। अब जो ये ग्रीन टी शर्ट वाले बंदे का जो पिंक हुआ है कलर, तो अब ये बेचारा क्या करेगा, ये 800 रुपये दे के ना इसको खरीद लेगा। जब ये अपनी जेब से 800 रुपये निकाल के इन बाबा को दे रहा था ना, तो सच में मेरे दिल को बहुत दुख हो रहा था, बट मैं क्या कर सकता था, मैं उनको बोल भी नहीं सकता था वरना वो मेरे से लड़ाई करने लग जाते। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी बंदा जाए कहीं से भी जाए, ये बेचारे राजस्थान से आए थे, पुष्कर से, सीधे साधे लोग हैं, इनको क्या मतलब बेचारों को कि क्या नग होता है क्या नगीना होता है, इनको पता ही नहीं है कहाँ से मिलता है असली या नकली है क्या है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है दोस्तों, किसी भी तरीके के ऐसे बाबाओं से ज्योतिषों से मिले तो फन के लिए अगर आप देख रहे हो खड़े होकर के तो ठीक है, अदरवाइज बलि का बकरा मत बनना। कभी वहां बैठ करके आप बोलो कि भैया हमें भी शनिदेव महाराज के टीका लगवा दो, तो गलत हो जाएगा।
आपके पैसे लग जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मैं चाहता ये हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों को समझ आए। क्योंकि देखो सोशल मीडिया तो आज की डेट में हर जगह है, लेकिन मैं उनको बंदों को राजस्थान पुष्कर जाके नहीं समझा सकता ना। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन लोगों तक और उन जैसे कई हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुँचे, तो लोगों को समझ आए कि ऐसा नहीं करना है, पागल नहीं बनना है। आपकी मेहनत का कमाई का पैसा है, उसको अच्छी जगह में लगाएं, किसी दान पुण्य में लगाएं अगर लगाना है तो, ऐसे बाबाओं के चक्करों में, ज्योतिषों के चक्करों में ना आए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाहता था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलूंगा आपको बहुत जल्दी किसी नई राह, किसी नए मोड़ पर।